ऑर्गेनिक की अब हम बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाला जो बॉन्ड कहलाता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, यानी कि बोले तो लाइक जैसे कि HCl, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, अब उसमें शेयरिंग होगी। यानी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर क्लोरीन के भी पास, हाइड्रोजन के भी पास, यानी एक बंदा कोरमा ला रहा है, एक जर्दा ला रहा है, मिलकर ला रहे हैं दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो आखिरकार ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे भाई? अब बात चूंकि हम आयनिक की जगह कोवेलेंट की कर रहे हैं, तो आयनिक तो सॉलिड बनाते थे, लेकिन कोवेलेंट जो है ये लिक्विड और गैस बनाएंगे। अब जब लिक्विड और गैस बनाएंगे तो लाजमी बात है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई की जगह होगा, लेकिन बड़ी हिम्मत जो लोगों को नहीं पता कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड गैस और लिक्विड बनाते हो, 99% बनाते हैं, 99 का लेवल ज़्यादातर बनाते हैं, मगर सारे के तो 1% ऐसे भी हैं जो सॉलिड बनाते हैं। अब ये 1% कौन से हैं? ये वो होते हैं जिनका मॉलिकुलर वेट हाई होता है, जैसे कि देखो C12H22O11। जब भाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी, फिर इनका क्या होगा? हाई होगा बाकी कोवेलेंट के नस्बत। अब ये इनऑर्गेनिक के बजाय ऑर्गेनिक बनाते हैं, स्लो होते हैं। अब इनमें आइसोमॉर्फिज्म नहीं, आइसोमेरिज्म होता है। अब ये आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, दो डिफरेंट कंपाउंड है, मतलब दोनों में चार चार कार्बन है, लेकिन एक विदाउट चेन है, एक विद वन चेन है, ये हो जाएगा आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। अब जाहिर सी बात है वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होंगे, ये किस में डिसॉल्व होंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ये हो गए भाई टोटली डिफरेंट।